देहरा में प्रशस्ति पत्र भाजपा द्वारा लोगों को बांटे गए। इसी क्रम में उपमंडल अधिकारी देहरा, पुलिस उप अधीक्षक देहरा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार देहरा, SHO देहरा, नायब तहसीलदार हरिपुर के अलावा SHO हरिपुर और अन्य अधिकारियों को व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह तथा जिला महामंत्री जगदीप डढ़वाल ने बताया कि इस विपरीत परिस्थिति में पूरे समाज की सुरक्षा का दायित्व इन अधिकारियों के ऊपर है, जो योद्धाओं की भांति अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता किए बिना जिस प्रकार संकट की इस घड़ी में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तथा इनकी सेवाओं को सदैव स्मरण रखा जाएगा। भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि प्रदेश भाजपा पूरे प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रही है। इसी कड़ी में देहरा मंडल ने इन योद्धाओं को सम्मानित किया है। इन अधिकारियों की साहसिक एवं निडर कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए क्षेत्रवासी इनके ऋणी रहेंगे। इतिहास में इन सभी का नाम कोरोना वॉरियर यानी कि कोरोना के विरुद्ध जंग के सिपाही के रूप में लिया जाएगा। इस समय पूरा प्रदेश, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, और इसी कड़ी में हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं ये एक योद्धा की भांति इस जंग को लड़ रहे हैं समाज के हित में। ये लोग अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता किए बिना जो उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, जिसके भरोसे आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके लिए हमारा पूरा क्षेत्र, हम पूरे समाज के लोग हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। इन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश भाजपा ने जितने भी ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित करने का निर्णय लिया था। उसी कड़ी में आज देहरा भाजपा मंडल ने देहरा क्षेत्र के जितने भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं इस विपरीत परिस्थिति में, उनको प्रशस्ति पत्र देके सम्मान देने की कोशिश की है, सम्मानित करने की कोशिश की है। तो हम पुनः एक बार पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से इन लोगों का स्वागत करते हैं, तथा हम इनकी इन सेवाओं के लिए हमेशा हम और हमारे क्षेत्रवासी इनके ऋणी रहेंगे। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।